आखिर कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से घर बैठे 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया? चलो बताता हूँ कैसे। पिछले साल हमने 70,000 ईंटें बनवाई और जिससे हमने ईंटें बनवाने के लिए मिट्टी डलवाई थी वो तो बहुत बड़ा बेईमान निकला। वो सिरू की ट्रॉली में दिखाने के लिए अच्छी मिट्टी लेकर आया था, लेकिन बाद में वो सारी मिट्टी रेत वाली डाल देता है जिससे सारी ईंटें मिट्टी में रेती होने की वजह से खराब हो जाती है और एक भी ईंट काम की नहीं बचती है। और मैं जब तक दीदी और भांजे को बुरहानपुर छोड़कर आया तब तक पिताजी ने इन ईंटों को जेसीबी से ट्रॉली में भरवाकर एक साइड डलवाकर पूर्णी में काम ले लिया। लेकिन इन ईंटों को बनवाने में 2 लाख रुपए का खर्चा आया था, लेकिन उस मिट्टी वाले की वजह से 2 मिनट में 2 लाख रुपए का कचरा हो गया। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। मैंने जब आकर देखा तो पिताजी ने उन ईंटों की यहाँ पर पूर्णी करवा दी और नदी से खुदाई करके ऊपर से पत्थर डलवा देते हैं ताकि हम इस जगह को भैंसे बांधने के लिए काम ले सके। और यहाँ पर जाली फेंसिंग करने के लिए पिताजी जाली भी लेकर आ गए थे, लेकिन जाली लगाने के लिए हमें बल्लियों की जरूरत थी तो अपने किंग सोना को लेकर हम दूसरे खेत पर बल्लियां लेने चले जाते हैं। पिताजी पेड़ से बल्लियां बनाने लग जाते हैं और हमारी 1 लाख की यूट्यूब फैमिली होने वाली है। अपने भाई को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बोलो जय श्री राम।